इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोसा के सिकराय उपखंड की झांगरिया की बैरवा ढाणी के अंदर, और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं भैरवाओं की ढाणी है, तकरीबन 300 लोगों का यहाँ पर रहते हैं, और इन 300 लोगों के बीच में किस तरह से कोरोना का कहर बरपा है आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगभग 9 से 10 लोगों की मौत बीते 10 दिन के अंदर हो चुकी है। कई लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, और राजस्थान के दौसा का ये वो जगह है जहाँ पर 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अवेयरनेस अब आ चुकी है, हर व्यक्ति के मुंह पर मास्क नजर आ रहा है इस गांव के अंदर, क्योंकि कोरोना का कहर ऐसा था, ऐसा भरपा कि इस गांव के अंदर कई लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। 2 से 3 इस ढाणी के अंदर बच्चे, 3 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सबसे पहले ये बच्ची आप देख रहे हैं, रेड कलर का चुन्नी बांधे रखी है, ये कोरोना पॉजिटिव बीते 6 दिन पहले थी। अब तक इनकी वापस से रैंडम सैंपलिंग नहीं हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। आप कोई आपको बेटा लक्षण, कितने साल की उम्र है, क्या नाम है? मेरा नाम सपना है, मैं 16 साल की हूँ। सैंपलिंग 16 16 तारीख की हुई थी, उसके बाद सैंपलिंग नहीं हुई। क्या आया था आपको, कोरोना पॉजिटिव? हाँ, कोरोना पॉजिटिव। कोई वो किट विट आई आपको? हाँ, आ गई थी। क्या आप लेके आए थे, खुद आ गई थी? नहीं, देखे गए थे। देखे गए थे। हाँ। और आपको क्या क्या लक्षण है? लक्षण खांसी जुकाम था। खांसी जुकाम था। हाँ। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है? नहीं। कोई बार बार डॉक्टर्स वगैरह संपर्क करते हैं या नहीं करते थे? नहीं करते कुछ। कोई बातचीत नहीं करते? नहीं। सर, आपके गांव में कितने लोग झाड़ी हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोगों का? पर सर कम से कम 300 आदमियों का गांव है ये, और बीते 15 10 12 दिन में मतलब 8 9 आदमियों की मौत हो गई है यहाँ पे। 9 आदमियों की, उसमें से कई कोरोना पॉजिटिव थे, कई संशय की मृत्यु भी हुई है, कई संशय के रूप में। उसके बाद में यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं हुई है। एक बार सैंपलिंग करने आए थे जिनके सिम्पटम थे खांसी, उनकी तो सैंपलिंग करके ले गए, बाद में दोबारा आए नहीं हैं। उसमें भी 60 70 आदमियों की सैंपलिंग हुई है, उसमें भी 17 18 आदमी पॉजिटिव हो गए, उसमें 2 3 बच्चे थे, और उसके बाद में दोबारा अब सैंपलिंग करने नहीं आए हैं। हाँ, कोई भी नहीं आया है। हाँ, मेडिकल किट जरूर उपलब्ध करवाई गई है। जो भी ANM गाँव में आए नहीं, स्कूल था हमारे वहाँ पड़ोस में, वहाँ दे के चली गई। उनको डर लगता है, कैसे यहाँ गांव में ऐसी मारी फैल रही, हो सकता है हमको भी संक्रमित हो जाए खुद, तो उन्होंने हमको बुलाया, फिर हम खुद ही लेके आए थे किट भी। मेरा नाम कन्हालाल है, और मेरा लड़का 12 तारीख को डेथ हुई थी, 36 साल का था, कोरोना पॉजिटिव में था वो। उसके बाद में मेरे पिताजी, खुद के पिताजी, परसों 24 तारीख को उनकी डेथ हो गई, पॉजिटिव थे। तो यहाँ कोई ऐसी कोई हमारे कोई है व्यवस्था नहीं है, आते हैं जाँच करण कोई है नहीं, आते हैं दवाई बाहर से दूर से पकड़ा के चले जाते हैं। दवाई लेने जाओ तो कोई हाथ नहीं लगाता है, ना कोई डॉक्टर की सुविधा है, ना कोई यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। लोग कह रहे हैं डॉक्टर्स नहीं है, पास में ही आप देख सकते हैं उन सिकराय से जो जो ढाणी है उससे ठीक 1.5 से 2 किलोमीटर दूर अचलपुरा, ये दौसा का उप स्वास्थ्य केंद्र है जो उस गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां पर ताला जड़ा हुआ है। वाकई शर्मनाक तस्वीरें हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं की सुदृढ़ होने की बात कहते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हैं। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र के बीते कई दिनों से नहीं खुला हो, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। कहा जाता है यहाँ पे एक ANM नर्स बैठती है, लेकिन बीते कई दिनों से जब से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वो डर के चलते, खौफ के चलते ANM नर्स नहीं आ रही। ऐसे में कहाँ राजस्थान की सरकार है जो स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ होने के तमाम दावे और वादे करते हैं। यानी एक गांव के अंदर इतनी मौतें हो रही हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर दूर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कोई मौजूद नहीं है मौके पे। वाकई कई सवाल, और कई सवाल राजस्थान की सवार सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। किस तरह से सरकार तमाम दावे और वादे करती है, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत क्या है, ये हमने आपको दिखाया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान सरकार तीसरी लहर की जिसकी आशंका जताई जा रही है उसको उस पे निपटने की बात करिए, लेकिन दूसरी लहर के अंदर ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात है। दौसा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था का हाल बेहाल है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेंद्र जेठानी, TV9 भारत और जयपुर राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है,
मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना।